29 जुलाई 2023 अर्थात श्रावण मास शुक्ल पक्ष शनिवार दिन पड़ुछि बड़ एकादशी। हेले समस्तंक मनरे एहा एक प्रश्न जे बड़ एकादशी त आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे पड़े, एथर श्रावण रे केमिति पड़ला बड़ एकादशी? ताहेले चालंतु जानिबा काहेकि एथर बड़ एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे पालन करा जाउछि। नमस्कार, मुँ आपणमानंकु स्वागत करुछि टिप्स विथ सुनीता मिश्र यूट्यूब चैनल को। आमे समस्ते जानिछु जे वर्षक चारिटी बड़ एकादशी पड़े, यथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी, भाद्रव शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और माघ शुक्ल एकादशी। किंतु ए वर्ष किछटा व्यतिक्रम घटी। श्रावण मास शुक्ल एकादशी टा बड़ एकादशी कारण 2023 श्रावण रे पड़ुछे जोड़ा श्रावण, तेबे एहाको आहुरी मध्य कहुजाय मळ मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास इत्यादि। तेबे आमे देखिबा एही जोड़ा मास काहेकि आसे ओ तार महात्म्य कोण। सूर्य वर्ष हिसाब रे सूर्यंकर 12टी राशि, प्रत्येक मासर संक्रांति रे सूर्य गोटे राशि रु आ गोटे राशि को संक्रमण करंती। एपरी 12टी राशि को 12 मास बा गोटे वर्ष बा 365 दिन 6 घंटा रा समय लागी थाए। सही परी चंद्रवर्ष अनुजाई चंद्रंकु 354 दिन लागी थाए। एनु प्रत्येक वर्ष सूर्य वर्ष और चंद्रवर्ष मध्यरे 11 दिन अंतर रही जाए। एही भली वर्ष को 11 दिन हेले 3 वर्ष रे 1 मास रा समय बाहरी जाए। एही अंतर को पालन करिबा पई प्रत्येक 3 वर्ष रे थरे अधिक मास पालन करा जाए। एही मासर विशेषता रहिछि जे एही मासरे कोनोसी संक्रांति पड़े नाही, कृष्ण पक्षरे नाही कि शुक्ल पक्षरे नाही। जेपरी कि 2023 रे जोड़ा मास आरंभ होइछि 18 जुलाई रु शेष होउछि 16 अगस्त रे पर्यंत। आमर संक्रांति पड़ुछि 17 जुलाई रे ओ 17 अगस्त रे, माने एही मास मध्यरे कोनोसी संक्रांति पड़िला नाही। तेबे देखिबा एही जोड़ा मास कोण। जोड़ा मास हेउछि हिंदू मानंकर एक पवित्र मास। एही मासर विशेष पूजा पाठ ओ धर्म कार्य करा जाए। एहाकु जोड़ा मास कहा जाए काहेकि ना गोटिए समान मास दुई थर पड़े, जेमिति कि एही वर्ष दुईटी श्रावण मास एका संगरे पड़ुछि। एहाकु अधिक मास कहा जाए काहेकि ना एही वर्ष गोटिए एक्स्ट्रा मास अर्थात 12 मास बदल रे 13 मास पड़ुछि। तेबे देखिबा एहाकु मळ मास मध्ये कहा जाए। एहाकु काहे के मळ मास कहा जाए? मळर अर्थ हेउछि मैला। याकु अशुभ बोली मना जाउथला काहेकि ना एहा गोटे एक्स्ट्रा मास ओ एही मासर कोनोसी देवादेवी नाहंति पूजा पाइबाकु। एणु मळ मासरे कोनोसी प्रकार शुभ कार्य करा जाए नाही, जेमिति विवाह व्रत मुंडन इत्यादि। तो थरे एही मासर देवी वैकुंठपुर को जाय भगवान विष्णु पाखरे बहुत कांदिबा को लागिले। विष्णु को गुहारी कले जे समस्ते तांकु निंदा करुछंती, घृणा करुछंती, अशुभ बोली मानुछंती, आउ तांकु एही कष्टरु रक्षा करंतु। जेमिति कि देवकिंकु कंसरु, द्रौपदी को दुशासनरु, राजा को जरासंधरु, गजेन्द्र को रक्षा कल कुंभीरठु, सेमिति मु आपणंक शरण रे आसीछि, मते रक्षा करंतु। भगवान विष्णु सब कथा सुनिला परे कहिले एहार समाधान केवल भगवान श्रीकृष्ण ही करि पारिबे। आ विष्णु तांको गोलोपपुर वृंदावन को ने गले ओ श्रीकृष्ण को सब कथा कहिले। श्रीकृष्ण सब कथा सुनिले आउ कहिले मोर गुण यश ऐश्वर्य साक्षात्कार सफलता बर प्रदान करिबार क्षमता एही सबु मु एही मळ मासर देवी को प्रदान करुछे। आउ एही मास अन्य सब मासंक तुलना रे सर्वश्रेष्ठ ओ पूजनीय। एही मास हेला पुरुषोत्तम मास अर्थात स्वयं भगवान विष्णु ओ कृष्णंकर मास। एही मासर शक्ति आमर सब इच्छा पूर्ण करि पारिबो। एणु एही मासरे जे सत्कर्म पुण्य दान धर्म तपस्या ओ साधन करिबो से सिद्धि लाभ करिबो। एही मासरे जदि किए एक टंकार भक्ति रे दान करिथाय तो सी एक कोटी रो पुण्य लाभ करिथाय। जिए थरे गंगा रे स्नान करिबो से 12,000 वर्षर गंगा स्नान रो फल लाभ करिबो। एणु एहा कृष्णंकर मास ओ सबु मास ठारु उत्तम होइथिबारु एहाकु पुरुषोत्तम मास कहा जाए।
ଏହି ମାସରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ହୋମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମାସ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଏଣୁ ଏହି ମାସର ପୁଣ୍ୟଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହରିହର ଦୁହିଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଦିନରେ ମରିବନି କି ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବାର ମାସରୁ କୋଉ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହି ଅଧିମାସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ଓ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୟନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଚାରିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ଦେବୋତ୍ଥାପନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ବିବାହ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ସମାପନ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡୁଥିବାରୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏକ ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବା ହରିଶୟନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମୀ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।